छह दिन के बाद बाजार की गिरावट में लगा ब्रेक। 57 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 15,350 पर हुआ बंद। बाजार से खपत वाले शेयर्स को मिला सपोर्ट। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 3% तक टूटे। दक्षिण भारत का कॉपर प्लांट बंद, बेचने के लिए वेदांता ने मंगाई बोलियां, लेकिन बाजार को नहीं पसंद आया फैसला। शेयर करीब 12% टूटा। ग्लोबल कीमतें गिरने से टाटा स्टील के कारोबार पर नहीं पड़ेगा नेगेटिव असर। एमडी और सीईओ टीवी नरेंद्र ने कहा, इंफ्रा डिमांड की वजह से वॉल्यूम आउटलुक मजबूत। सस्ता सोना खरीदने का शानदार मौका, आज से 24 जून तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का वक्त। इश्यू प्राइस 5,091 रुपए प्रति ग्राम। ऑनलाइन भुगतान पर हर ग्राम के लिए 50 रुपए की एक्स्ट्रा छूट। अग्निपथ के समर्थन में उतरा कॉरपोरेट इंडिया। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने किया ट्वीट, कहा, अग्निपथ योजना को लेकर हुई हिंसा से हूं दुखी। अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बनाएगा। महिंद्रा अपनी कंपनी में अग्निवीरों को मौका देगी। मारुति सुजुकी ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा के नए वर्जन के बुकिंग की शुरू। इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर और नई टेक्नोलॉजी के साथ होगी लॉन्च। ग्राहक नई ब्रेजा को कंपनी के किसी भी एरिना शोरूम या इसकी वेबसाइट से 11,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ शुरू बुक कर सकते हैं। ओला ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का वीडियो किया जारी। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने ट्वीट कर जारी किया वीडियो। एयर इंडिया जल्द खरीद सकता है लगभग 300 नैरो बॉडी जेट्स। ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास में होगा सबसे बड़े सौदों में से एक। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भी लेंगे हिस्सा पीएम। नेशनल हेराल्ड केस आज फिर हो रही है कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ। इससे पहले 3 बार पूछताछ कर चुकी है ईडी। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की नहीं दी जा रही है परमिशन। केंद्र अग्निपथ योजना को वापस ले और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करे। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जयराम रमेश का ट्वीट, कहा, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी पर केंद्रित प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं के साथ दुर्व्यवहार मामले में राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से पूछताछ के मामले में किया प्रदर्शन, मोदी सरकार पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय ने किया सम्मेलन का आयोजन। साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में बोले गृहमंत्री अमित शाह, साइबर सुरक्षा भारत का निर्माण, भारत के विकास के लिए जरूरी। आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बिना नहीं हो सकता। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक। गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, अश्विनी वैष्णव और किशन रेड्डी बैठक में हुए शामिल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी ममता बनर्जी, पहले से तय कार्यक्रम के चलते नहीं ले पाएंगे हिस्सा। शरद पवार ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव की 10 सीटों के लिए आज मतदान। 10 सीटों के लिए कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं।
हिमाचल प्रदेश के परवानो टिम्बर ट्रेल में चल रहा है केबल कार ट्रॉली में फंसे टूरिस्ट को निकालने का ऑपरेशन। केबल कार में फंसे दो लोगों को किया गया रेस्क्यू, 9 लोग अभी भी फंसे। एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी। अग्निपथ योजना के तहत थल सेना में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। भारतीय सेना ने जारी किया भर्ती ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। 1 जुलाई से सेना की अलग अलग भर्ती यूनिट्स अपने हिसाब से जारी करेंगी अधिसूचनाएं। अग्निवीर योजना के खिलाफ आज फिर बिहार में हंगामा। कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया पर किया चक्का जाम का ऐलान। बिहार में भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन। राज्य सरकार के गृह विभाग ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी किया। बिहार में 20 जिलों में बंद की गई इंटरनेट सेवा। प्रशासन ने 20 जून तक इंटरनेट सेवा पर लगाई रोक। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में हुए प्रदर्शन। मामले में 145 एफआईआर दर्ज। अब तक 804 लोगों को किया गया गिरफ्तार। अग्निपथ योजना को लेकर फेक न्यूज फैलाने के आरोप में कार्रवाई। पटना में 6 कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एफआईआर। झारखंड में विरोध प्रदर्शन के चलते बंद रहे आज सभी शिक्षण संस्थान। रांची में भारत बंद की घोषणा के बाद लिया गया फैसला। भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड पर रांची पुलिस। लगातार ड्रोन से इलाकों पर नजर रख रही है पुलिस। नोएडा में धारा 144 पर बोले नोएडा के एडीसीपी, कहा जो भी शख्स कानून तोड़ता नजर आया तो होगी सख्त कार्रवाई। अग्निपथ पर फेक न्यूज फैलाने पर कार्रवाई। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। 30 व्हाट्सएप ग्रुप पर लगाया बैन। अग्निपथ योजना के खिलाफ भारत बंद के ऐलान पर पंजाब में अलर्ट। पंजाब सरकार ने सभी पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसएसपी को जारी किए निर्देश। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध को लेकर जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के चलते 20 देश में 491 ट्रेन सेवाएं प्रभावित। कल रात 8 बजे तक 229 मेल एक्सप्रेस और 254 पैसेंजर ट्रेनें रद्द। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा मोदी सरकार की युवा विरोधी अग्निपथ योजना को लेकर किया जाएगा शांतिपूर्ण प्रदर्शन। अग्निपथ योजना पर तौकीर रजा का विवादित बयान, कहा अगर ट्रेनों में आग नहीं लगाते बच्चे तो क्या इनकी बात सुनी जाती। विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, कहा अगर आपको योजना पसंद नहीं तो मत आओ। आपको बुलाया किसने? बसें और ट्रेन जलाने वालों को किसने कहा कि हम आपको फौज में लेंगे? देश में चल रहे प्रदर्शन पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, कहा छात्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे कुछ लोग। भारत का एक एक नौजवान देश के लिए कुर्बानी देने को है तैयार। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अग्निवीरों को लेकर किया ट्वीट, लिखा अग्निवीरों को नौकरी देने की बात करने वाले संस्थान पहले नियमित सशस्त्र बलों के रिटायर्ड लोगों को दे नौकरी। समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर सीएम योगी का हमला, कहा समाजवादी सरकार ने आजमगढ़ को बना दिया था आतंक का गढ़। गोरखपुर में किया गया जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच देर रात हुआ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी संगठन अल बद्र के 3 सहयोगी गिरफ्तार। तलाशी में 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 गोलियां और 2 हथगोले हुए बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा में 4 और कुलगाम में 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी।